Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and done your work properly. Today we start our new chapter. And what is the name of our chapter? That is money. Money? What is money? And where you use money and how? When you purchase ice cream, chocolates, and then what you give to the shopkeeper? जब आपको आइसक्रीम्स लेनी होती हैं, चॉकलेट्स लेनी होती हैं, पॉकेट मनी लेते हो ना पापा से, क्या देते हैं आपके फादर पॉकेट मनी में? कॉइन्स, पेपर नोट्स, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? चॉकलेट्स परचेस करते हो, और क्या परचेस करते हो? आइसक्रीम। सो बेटा, मनी इज द मीडियम। मनी क्या है? एक मीडियम है। According to our definition, that is the medium of exchange, such as exchange का मतलब क्या है बेटा? क्या exchange करते हैं? अगर हम shopkeeper को money देते हैं, तो वो हमें बदले में क्या देते हैं? Whatever we want chocolates, stationery and some other things. Exchange मतलब कुछ आपस में बदलना। अगर हम shopkeeper को money देंगे तो ही वो हमें क्या देंगे बेटा? जो वट एवर वी वॉन्ट, सच एज नोट्स। अगर हम शॉपकीपर को क्या देंगे तभी वो हमें एक्सचेंज में देगा? नोट्स देंगे, क्वाइंस देंगे, नोट्स और क्वाइंस देंगे तभी शॉपकीपर हमें देंगे ना वो पर थिंग्स जो हमें परचेस करनी है। क्या आप कोई भी ऐसे सिंपल पेपर पे लिख देंगे 10 रुपीज और दे देंगे शॉपकीपर, दे देंगे आपको परचेज? नहीं। दैट द पेपर नोट इज नॉट अ नोट दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एंड देन गिव टू शॉपकीपर। इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI दैट सच एज नोट्स, क्वाइंस यूज टू, किस लिए यूज होते हैं ये क्वाइंस और नोट्स? टू पे फॉर कमोडिटीज एंड सर्विसेज। किस लिए बेटा? कमोडिटीज मतलब जो थिंग्स हम परचेज करते हैं और जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उन सर्विसेज को हमें लेने के लिए क्या करना है? कुछ मनी पे करना होता है। दैट इज द मनी इज द मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑल ओवर द थिंग्स। ओके, सो टुडे वी शैल लर्न अबाउट द हाउ टू बाय थिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज, दैट इज मनी। We need to successful in our life and earn. अब हमें successful होना है। आप study कर रहे हैं, उसके लिए आप fees pay कर रहे हैं। किस तरह से fees? Money देके कर रहे हैं। और जब आप successful हो जाएंगे, earn करने लगेंगे, that to earn money and live a beautiful life with delicious food, beautiful clothes and a big house. So that money is the most important thing in today's world to exchange the commodities that we want. Okay, so let's start with our chapter. So firstly we understand this meaning of money and next ab aapne ek word suna hoga currency. Currency kya hai? A currency is the system of money used in a current country. Beta, अलग अलग कंट्रीज़ में सब कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी होती हैं। जिस तरह से हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? एज यू नो, रुपी, रुपी एंड पैसा इज द करेंसी ऑफ इंडिया। द करेंसी इज द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन अ कंट्री। एक सिस्टम है ये, जहाँ पर क्या यूज़ होता है कि मनी, जिस तरह से USA में डॉलर का यूज़ होता है, एज यू ऑल नो डॉलर, तो उसी तरह से बेटा इंडिया में क्या यूज़ होता है? रुपी। एंड इट इज़ रिटन एज किस तरह से हमें सिंबल ऑफ रुपी इज जस्ट लाइक दैट। ओके, सो आवर इंडियन करेंसी इज रुपी एंड इट इज रिटन एज जस्ट लाइक जस्ट विल राइट दैट। सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन आवर चैप्टर मनी, दैट इज शॉपिंग बिल्स। शॉपिंग बिल्स क्या है बेटा? जब आप किसी भी शॉप से कुछ परचेज करते हैं तो आप उसे बोलते हैं ना, गिव मी अ बिल,
जिस तरह से आप मॉल से शॉपिंग कर रहे हैं, तो मॉल से आपको ज़रूर ही बिल मिलेगा। और अगर आप किसी भी नॉर्मल मार्केट से शॉपिंग करते हैं, तो दैट इज़ कंपल्सरी, आप बोलिए उन्हें कि बिल दीजिए। ओके, बिल इज़ दी रिटर्न स्टेटमेंट। बिल क्या होती है? एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है शोइंग मनी पेबल बाय दी परचेजर। मनी पेबल मीन्स कि परचेजर, हमने परचेज किया है। परचेजर मीन्स जो आप परचेज कर रहा है उसने कितना मनी पे किया है। मनी पेबल बाय दी परचेजर, परचेजर कौन है? अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम परचेजर हैं। टू दी सेलर, सेलर कौन है? हु सेल्स दी थिंग्स, जो सामान बेच रहा है वो कौन है? सेलर है। सो बेटा, बिल क्या है? एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होगी। दैट्स द परचेजर नेम, सबसे पहले जिस शॉप से आप ले रहे हैं उसका सबसे हेडिंग होगी, उसका एड्रेस होगा। उसके बाद नीचे कुछ बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप नेम लिखा होगा, जिसमें जो सेलर है वो आपका नेम फिल पे कर देगा। उसके बाद कि आपने कितना परचेज किया, कौन कौन सी आइटम्स ली, एंड योर टोटल। ओके, सो मनी शॉपिंग बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू ऑलवेज टेक फ्रॉम दी सेलर। ओके, एंड नेक्स्ट इज इट कंटेन्स दी डिटेल्स ऑफ दी गुड्स परचेज्ड। ये तो हो गया हमारा कि उसमें क्या डिटेल्स गिवन होती हैं कि आपने कौन कौन सी गुड परचेज्ड की हैं। नेक्स्ट इज अ बिल इज अ प्रूफ ऑफ सेल्स एंड परचेज। बिल क्या है? एक प्रूफ है कि आपने इस शॉप से इस डेट को कितना सामान लिया है। अ बिल इज अ प्रूफ। एज यू नो, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। नेम ऑफ द सेलर, नेम ऑफ द परचेसर, एड्रेस गिवन होगा, क्वांटिटीज ऑफ आइटम सोल्ड, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बिल में गिवन होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इंट्रोडक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।